हेलो स्टूडेंट, केनस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं राहुल निषाद बिल्डिंग ड्राइंग का अगला सेशन का वीडियो आपके लिए जारी कर रहा हूं। तो स्टूडेंट, पिछले दिन आपके सिलेबस के हिसाब से हमने आपको पहला लेक्चर जारी किया था, जिसमें आपको आईएएस कोड के बारे में बताया था। आज हम आप लोगों को लाइन के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज का सेशन आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ लाइन बताना है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लाइन बताते हैं आपको, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। पहला है आपको विजिबल लाइन, दूसरा आपको सेंटर लाइन, तीसरा आपको सेक्शन लाइन, चौथा है डायमेंशन लाइन, पाँचवा है एक्सटेंशन लाइन, छठा है आपको हेडिंग लाइन, सातवां है पॉइंटर लाइन और आठवां है आपको ब्रेक लाइन, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ कुछ लाइन है, हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव आपको इससे पूछा जाए, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला आपको है विजिबल लाइन। ये विजिबल लाइन क्या होता है तो समझिए पहले इसको। दीज लाइन शुड बी आउटस्टैंडिंग इन अपीयरेंस। दीज लाइन आर यूज टू शो ऑल थिकनेस प्लॉट बाउंड्री प्रपोज स्ट्रक्चर ईसीसी। थिकनेस में भी 0.6 mm टू 1.3 mm, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपको कि, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई बाउंड्री लाइन दिखानी है, ठीक है, जैसे कोई अगर मान लीजिए प्लान अगर आपका इतना ही बड़ा है, ठीक है, इसका अगर बाउंड्री लाइन अगर आपको दिखाना है तो जो आपका आउटर लाइन होगा, जो आपको क्या होगा आउटर लाइन होगा, ठीक है, वो आउटर लाइन ही आपको क्या होगा विजिबल लाइन होगा। और इसका थिकनेस वेरी करता है 0.6 mm टू 1.3 mm तक, ठीक है। जो आपको दिखाई देगा, ठीक है, जो आपको अपीयरेंस होगा उस तरह का लाइन आपको खींचना है, जिसमें आपका प्लॉट बाउंड्री हो सकता है, वॉल थिकनेस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका हो सकता है। बात समझ में आपको आई। विजिबल लाइन थोड़ा डार्क होता है और आपको थोड़ा मोटा भी होता है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, आपको बताते हैं अगली लाइन। तो विजिबल लाइन का जो आपका है वो थिकनेस वेरी करता है 0.6 टू 1.33, और ये आपको ऐसा भी हो सकता है 0.6 mm या फिर 0.8 mm या फिर 1 mm, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ड्रॉइंग। आपका ड्रॉइंग शीट कितना बड़ा है उसके हिसाब से आपको ये वेरी करता है, ठीक। दूसरा है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या होता है ये समझिए आप। तो सेंटर लाइन इज ए लाइन विच अलोंग ए शॉर्ट विच अलोंग लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश। तो आपको क्या होता है कि इसमें एक ऐसा लाइन होता है, ठीक है, जिसमें एक लाइन आपका लॉन्ग होगा, दूसरा आपका फिर शॉर्ट होगा, फिर लॉन्ग होगा, फिर आपको शॉर्ट होगा, फिर लॉन्ग होगा, फिर आपका शॉर्ट होगा, मतलब अल्टरनेट होगा, ठीक है। एक बार लॉन्ग होगा, एक बार क्या होगा शॉर्ट होगा, इस तरह का लाइन होता है, ठीक है। यूजुअली इंडिकेट्स द सेंटर ऑफ कॉलम, सेंटर लाइन ऑफ वॉल और विंडो ईटीसी। तो जो आपका सेंटर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ वॉल होगा, उसको डिनोट करने के लिए आपका ड्राइंग में ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ इसमें रहता है। अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश आर यूज टू प्रोपोर्शनल 6:1 और 4:1। इसका मतलब ये होगा कि अगर पहला लॉन्ग अगर लॉन्ग डैश अगर आपको 6 cm है या 6 mm है तो शॉर्ट वाला आपका होगा 1 mm, ठीक है। या फिर आपका पहला अगर 4 mm है तो दूसरा आपका होगा, मतलब पहला अगर ये 4 mm आप दे रहे हैं तो फिर ये 1 mm, फिर ये 4 mm, फिर ये 1 mm, फिर ये 4 mm, फिर ये 1 mm, इस तरह आपको करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तीसरा आपका हिडन लाइन। हिडन लाइन नाम से ही स्पष्ट होता है कि छुपा हुआ लाइन रहता है, यानी कि ये दिखाई नहीं देता है उस अगर कोई ऐसी चीज़, जैसे देखिए आप, हिडन लाइन आर ब्रोकन लाइन दैट इंडिकेट्स द लाइन डू नॉट सीन इन सर्टेन पर्सपेक्टिव। यानी कि अगर कुछ ऐसा लाइन है जो आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ऐसी जगह पर जहाँ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर वहाँ का लाइन अगर आपको निकालनी है, वहाँ का अगर लाइन आपको दर्शाना है, ठीक है, तो उस समय आप यूज कीजिएगा किसका, हिडन लाइन। और हिडन लाइन आपको कैसा रहता है, ब्रोकन लाइन रहता है, तो टूटा हुआ टुकड़ा में रहता है, ठीक है। इसको डॉट डॉट स्मॉल में छोटा सा डैश डैश में आपको आगे करना होता है, ठीक है। और जो थिकनेस होता है इसका, थिकनेस ऑफ हिडन लाइन जो होता है वो वेरी करता है आपको 0.4 mm टू 0.5 mm। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले लाइन की तरफ। आपका 4 नंबर में क्या, सेक्शन लाइन। देखिए सेक्शन लाइन क्या होता है, इट इज़ ए कटिंग प्लेन ऑन विच सेक्शन हैज बीन टेकन आउट, ठीक है। इट शुड बी इंडिकेटेड बाय थिक लॉन्ग डैश एंड शॉर्ट डैश। अगर मान लीजिए आपका कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख लो, आपको समझाते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग में हमें मान लीजिए कि ऐसे काट कर दिखलानी है, ऐसे करके हमें काट कर
दिखला लें। मान लीजिए आपको देगा ड्राइंग में, हम आगे बताएंगे आपको कि इस तरह का आपको काट कर देगा। तो अगर मान लीजिए अगर इस तरह से काटता है, ठीक है, तो इसी का मतलब होता है आपका क्या, सेक्शन लाइन, ठीक है। तो सेक्शन लाइन मतलब ये वाला जो पार्ट वाला बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग जो बिल्डिंग का पार्ट है वो उस साइड चला जाएगा, इसको काट के आपको पीछे से हटा देना और इधर से देखना, आपको इधर से फ्रंट देखनी है, ठीक है। इस तरह का जो लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं सेक्शन लाइन, ठीक है। सेक्शन लाइन जो होता है आपको, वो आपको शॉर्ट डैश होता है और लास्ट में आपको एरो लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि सेक्शन लाइन क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला जो 5 नंबर में है, वह है डायमेंशन लाइन, ठीक है। अब डायमेंशन लाइन क्या होता है, उसको कहाँ पर दर्शाते हैं वो आपको बता रहे हैं, समझिए क्या कहा जाता है। देखिए इसके बारे में क्या कहा जाता है, दीज लाइन आर यूज टू शो डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर। अगर कोई स्ट्रक्चर है उसका कोई डायमेंशन है तो उसको डायमेंशन को दर्शाने के लिए आप डायमेंशन लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। थिन फुल लाइन इज यूज टू कॉन्ट्रेस्ट विद द हेवियर विजिबल आउटर टू शो द डायमेंशन। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका बिल्डिंग में आपका कोई रूम इतना बड़ा है, ठीक है, या मान लीजिए पूरा बिल्डिंग का डायमेंशन आपको इस तरह आकार का कोई दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, ठीक है, ये लाइन को इंडिकेट करने के लिए कि ये कितना mm का होगा, इसको बीच में आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि ये 50 मीटर है तो आप 50 मीटर लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह का जो आप दर्शाते हो, इस तरह का जो लाइन होता है, यही आपका कहलाता है क्या, डायमेंशन लाइन। क्या कहलाता है ये, डायमेंशन लाइन। तो ये जो डायमेंशन लाइन होता है ना, इसका जो थिकनेस होता है वो 0.2 mm टू 0.3 mm वेरी करता है, ठीक है। और आपको लास्ट में आपको एरो हेड लगाना होता है। ये एरो हेड के बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या है ये समझ लीजिए। ये जो एरो हेड होता है वो आपको 3 mm आपको लॉन्ग देना है, ठीक है, जबकि इनके बीच की जो चौड़ाई होगी वो आपको देना है 1 mm वाइड, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है कौन सा लाइन, डायमेंशन लाइन। बात समझ में आपको आ गई होगी, चलता है आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं अगला है 6 नंबर में एक्सटेंशन लाइन। ये एक्सटेंशन लाइन क्या होता है सो समझिए आप, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन देखिए, आप क्या करते हो कि जब आप एरो हेड लाइन ये खींचते हो, आप जो डायमेंशन लाइन खींचते हो या कोई भी लाइन खींचते हो, ठीक है, जब कोई भी लाइन आप खींचते हैं तो आप क्या करते हैं लास्ट में इस तरह का उसको इंडिकेट देते हैं कि इसे रोक देते हैं, चाहते हैं कि आप ये जो लाइन है इसके आगे नहीं है। ये जो लाइन परपेंडिकुलर आपका जो होता है डायमेंशन लाइन का, ठीक है, यही ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन, ये जो डायमेंशन लाइन है इसका परपेंडिकुलर होता है। तो ये लाइन आपका जो कहलाता है कौन सा लाइन, ये छोटा सा लाइन जो है यही आपका कहलाता है एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। तो क्या है, एक्सटेंशन लाइन इज लाइन विच परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन, सिंपल सी बात है, और ये छोटा सा होता है, ठीक है। अब है एक अगला है कि आपको पॉइंटर लाइन, पॉइंटर लाइन क्या होता है आप ये समझिए, ठीक है। व्हेन स्पेस इज इनसफिशियंट, अगर आप कहीं लिख रहे हो, कोई नोट बना रहे हो या कोई ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, उस ड्राइंग को बनाते वक्त क्या है कि आपके पास जगह पूरे पर्याप्त नहीं है कि आप वहाँ पर उसको लिख सको कि यहाँ डोर है, विंडो है, या फिर इतना गुना इतना उसका डायमेंशन है, या फिर वहाँ पर और कौन सी लगाएं। ये अगर आपको लिखने के लिए अगर वहाँ पर आपको स्पेस नहीं रहता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो ये ड्राइंग शीट है, इस ड्राइंग पर यहाँ पर कोई चीज़ दर्शाया गया और ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये इसका कितना mm, कितना mm है, मान लो कि ये 20 mm, मान लीजिए आपके ये 20x30 mm का ये एरिया है, इसको आपको यहाँ लिखने में नहीं बन रहा था डायमेंशन में, इसको जब आप बाहर ये जो पॉइंट लाइन के द्वारा जो बाहर करते हो, यही लाइन कहलाता है पॉइंटर लाइन, ठीक है। तो क्या होता है, व्हेन स्पेस इज इनसफिशियंट टू राइट ए नोट और डायमेंशन नियर द फीचर्स, पॉइंटर लाइन आर ड्रोन फ्रॉम द नोट्स और डायमेंशन सो द वेयर इज अप्लाइज, ठीक है, जहाँ पर इसको दिखाना है वहाँ पर आप इसको अप्लाई करते, ठीक। अब देखिए आगे, पॉइंट्स रिमेंबर्ड व्हाइल यूजिंग द लाइन इन ड्राइंग। आप कुछ ऐसी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जब आप लाइन को यूज करते हैं ड्राइंग के समय, उनमें से कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी, हो सकता है ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ दे। जैसे पहला पॉइंट है, विदाउट रीजन वन शुड नॉट बी यूज टाइप्स ऑफ लाइन इन ड्राइंग। किसी भी रीजन के बिना आप ड्राइंग में लाइन नहीं खींचेंगे, पहली नंबर बात समझ में आ गया आपको, किसी भी रीजन के बिना आप, अगर कोई रीजन है तभी लाइन खींचेंगे, नहीं तो नहीं खींचेंगे, ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ लाइन थिकनेस ऑफ लाइन शुड बी टेकन, और जैसा उसका मीनिंग होता है लाइन का, ठीक है, कि कौन लाइन आप उपयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उसका थिकनेस देंगे। ऐसा नहीं कि आप सब लाइन का थिकनेस आप इक्वल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा हम चलते हैं, मिनिमम थिकनेस ऑफ लाइन शुड नॉट बी लेस देन 0.2 mm, और कोई भी लाइन हो उसका थिकनेस जो होगा ना वो 0.2 mm से कम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया आपको, किसी भी लाइन का जिसका आप ड्राइंग में यूज करते हैं उसका थिकनेस 0.2 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका,
वाइल मेकिंग ड्राइंग वन शुड यूज डार्क एंड शार्प पेंसिल। जब आप ड्राइंग में आप पेंसिल का यूज करते हैं लाइन खींचने के लिए, तो वो जो उसका जो पेंसिल का जो सबसे लास्ट भाग होता है पॉइंटर भाग जैसे पेन का है, ठीक है, वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए और जो लाइन खींचेंगे वो बिल्कुल डार्क होना चाहिए, मतलब पता चले कि यहाँ पर कोई लाइन आपने खींचा है। आई होप आप को ये सब बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगला है द लाइन ड्रोन शुड बी क्लियर ब्लैक एंड डेंस। लाइन एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, थोड़ा डेंस होनी चाहिए, मतलब डेंस मतलब क्या, दिखने में थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ यहाँ लाइन है, ठीक है, और ब्लैक कलर का होना चाहिए, ठीक है। अगला है थिकनेस ऑफ लाइन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू मीनिंग। आप जैसे जैसे मीनिंग बदलेगा, ठीक है, वैसे वैसे उसका लाइन का क्या करेगा, थिकनेस चेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये लाइन के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो अगला वीडियो आपको हम जारी करेंगे ना, वो आपका सिलेबस का अगला पार्ट का होगा, ठीक है, वो अगला पार्ट का होगा, जिसका मतलब होगा क्या, जिसके बारे में पढ़ना है कि अगर कोई बिल्डिंग ड्राइंग दे देता है, ठीक है, तो रीडिंग ऑफ अवेलेबल एमोनिया प्रिंट्स ऑफ रेजिडेंटल बिल्डिंग। किसी रेजिडेंटल बिल्डिंग में कोई आपको जैसे ड्राइंग दे देता है, तो ड्राइंग में समझना है कि कहाँ क्या होता है, ये आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।